होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। और देखो कभी लोग कुछ बातें कह रहे थे तो लड़कियों का और जहां भी जिक्र आता तो आप लोग भी बड़ा हाँ हुल्लड़ करके और इस तरह से आनंद लेते। अंधेरा होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ कि उम्र दराज जो लोग बैठे उन तक की गर्दने हिलती थी, क्योंकि परमात्मा ने नारी की सर्जना इस सृष्टि में इसलिए की कि उस आदमी का दिमाग सेंटर में रहे, नहीं तो पुरुष अपने आप को ईश्वर से भी ऊंचा समझता। वो उर्वशी मेनका रंभा थोड़ी सी कमर हिलाती थी तो बड़े बड़े विश्वामित्रों के सिंहासन हिल जाते थे, और कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी औरत दिखते पसीने आ जाते। और बात अच्छी लगी तो मेरी चुनौती है इस बार तालियां रोक के बताना, कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो औरत दिखते ही पसीने में नहा जाता है। वो मल्लिका शेरावत घंटे भर योग सीखने गई थी, बाबा की एक आंख आज तक पूरी नहीं खुल गई। और देखो ये रमेश मुस्कान, इसने जो प्रेम का गीत सुनाया, मैं सही कह रहा हूं, इसने प्रेम भी बरती, और प्रेम का बुखार तब तक ही रहता है जब तक आदमी का ब्याह नहीं हो जाए। शादी की कुनेन खाते प्यार का मलेरिया उतर जाता है। जब प्रेम किया उस दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो आप इस बात पर बजाएंगे जिस लड़की को लेकर भागा था, आप उसको देखते ही भागता है। तीन दिन बाद मिला, शादी के तीन दिन बाद, मैंने कहा नया नया ब्याह हुआ है, प्रेम विवाह ऊपर से किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, शहर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। और जो तीन दिन में इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, तालियां बजा देना, बाकी जिंदगी हौसले से निकल जाएगी, वरना वो तलाक का सारा दोष मेरे पे आएगा। मैंने कहा नया नया ब्याह हुआ, प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, शहर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोलो भाई साहब सुना है, जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। और देखो ये इश्क मोहब्बत ये जो है सब, जिनका आधा अक्षर वैसे ही विकलांग है, ये जीवन में बड़ी परीक्षाएं लेते हैं साहब। आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मैं तो देखो ये तो फिर भी साइंस का विद्यार्थी था, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी था, हिंदी साहित्य से मैंने एमए किया, तो मुझसे तो कौन प्रेम करते, भाई मरते हुए पे कौन मरेगा। समझो आप, लेकिन मेरे साथ दो चीजें ठीक थी, एक तो मैं साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी, तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे। और साहब मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है, कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से बह गए, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जार्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। अपने यहां इश्क मोहब्बत का खेल ही बड़ा जबरदस्त है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आने वाला अगले महीने, और देखो मैं निवेदन कर दूं पिछली साल की दुर्घटना याद करो, 14 फरवरी को श्रीराम सेना वालों ने तो यह कह दिया कि जो प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार ने पुलिस को यह हिदायत दे दी कि इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए, जो प्रेम करते हुए मिले उनको तो श्रीराम सेना वालों ने पीटा, जो नहीं कर रहे थे उनको पुलिस वालों ने। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है
जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। क्या बात है, दोस्तों आप बेहद प्रतिभाशाली लोग हैं। सूर को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, मीरा को पढ़ो, टैगोर को पढ़ो, काजी नजरुल इस्लाम को पढ़ो, तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय प्रदर्शन का विषय नहीं। बहुत अच्छे, ये जो नौजवान पीढ़ी है ये मीडिया नेह का नाम बता करके देह के जाल में फंसता जाता है। एक समय बाद में लगता है कि यार हमने तो बहुत कुछ खो दिया, हासिल कुछ होना जाना नहीं। एक निवेदन कर दूं, समय बदल चुका है। इश्क मोहब्बत प्यार जैसी कोई चीज नहीं। जीवन की चुनौतियों को याद करो, उनसे जूझना सीखो। समय बदल चुका, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो चिपकली खा जाती है। कहते हैं कि साहब देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं देश ने बड़ी तरक्की की, लेकिन 64 साल में जितना खोया उतना नहीं पाया। किसी शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि कुछ न दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही है। ये जो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है उससे लेकर के आप एक शिक्षण संस्थान तक की सड़क देख लो आप। 10 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकार 64 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। बहुत अच्छे, स्वागत है भाई। ऊपर से व्यवस्था का क्रूर मजाक और कि अरबों रुपए का आईपीएल उसी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों बीपीएल बसते। बहुत अच्छे, ये जो जीवन की चुनौतियां हैं इनकी तरफ आदमी का ध्यान जाना चाहिए। बाकी तो ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ये चीजें ये तो कोई देश में मुद्दे ही नहीं रहे। अब इसका तो जिक्र ही क्या करें। ये तो मीडिया वाले जब तक उठाते रहते हैं इस तरह के मसले। अब वो गेम कॉमनवेल्थ गेम हुए अपने यहाँ, तो वो बोले साहब एक खेल गांव में सांप निकले हैं। अब ये भी कोई मुद्दे हैं इस तरह के मीडिया वाले फैलाते रहते हैं। यार जब सारी धरती शेष नाग पे टिकी हुई है ऐसी में 2-4 ऊपर आ गए तो कौन सी आपत आ गई। भ्रष्टाचार तो मुद्दा ही नहीं इस देश में। वो मुझे ध्यान है एक जूनियर सरकारी कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर अफसर ने उसको डांटा, बोलो नालायक देश को आजाद हुए 64 साल हो गए क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, मौके का फायदा उठा, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। तो जो जूनियर ने जवाब दिया उसका आनंद लेना और था लगाना कि देश में कितना भ्रष्टाचार है। बोले क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। एक रचना मैं आपको सुनाते, स्वागत है भाई जी। तो यार धमका के क्यों कह रहे हो। बाकी आपको कुमार को सुनना है, समय की अपनी सीमाएं हैं, ऐसा मैं तीसरी बार कह रहा हूं। दोस्तों मेरी पढ़ाई गांव में हुई 10वीं तक की।